नमस्कार जय हिंद पूर्व सैनिकों और सी ए पी एफ वेटरस के लिए नवंबर का पार्ट एट वीडियो आ गया है इसमें चलिए कुछ डायरेक्ट वैकेंसीज़ को हम देखते हैं इसमें दस डायरेक्ट वैकेंसी हम डिस्कस करेंगे पूर्व सैनिकों के साथ साथ सी ए पी एफ के लिए भी तो अभी वैकेंसी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दो वेलफेयर अपडेट है उसको जान लेते हैं सबसे पहले रिगार्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट बाय ई सी एच एस इसके बारे में जानते हैं ये क्या है और क्यों इश्यू होता है और इसका हम फायदा कैसे उठा सकते हैं ये एक लेटर है मेडिकल सर्टिफिकेट टू वेटरन्स बाय बाईसी पोलिक्लिनिक्स और ये क्यों होता है ये जो बुजुर्ग हमारे पूर्व सैनिक हैं या जो बीमार हैं जिनको कैंटीन का फैसिलिटीज चाहिए जो नहीं जा पाएंगे कैंटीन फिजिकली उनके लिए है ताकि वो कैंटीन का फैसिलिटी उठा सकें इस सर्टिफिकेट के माध्यम से तो ये इसका लेटर है इसको आप मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर दूंगा और इसका जो फॉर्मेट है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ये बुजुर्गों और बीमार सैनिकों के लिए है ताकि वो अपने डिपेंडेंट्स या किसी थर्ड पर्सन को भेज के अपने कैंटीन से सामान को परचेज कर सकें इसके लिए ये सर्टिफिकेट इशू होता है इसका फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है वो है आधार कार्ड अपडेटिंग से लेके अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ऊपर हो गया बना हुआ और आपने बीच में अपडेट नहीं किया है तो 14 दिसंबर 2024 इसका लास्ट डेट है इससे पहले आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा करवा लें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप, आप भी अपना करवा लें अगर आपका नहीं हुआ है तो और डिपेंडेंट्स का भी करवा लें अगर उनका भी अपडेट नहीं हुआ है तो, तो ये दो इम्पॉर्टेंट वेलफेयर अपडेट था अब हम लोग जॉब्स पे स्विच कर लेते हैं स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट जॉब से ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 इसमें असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का वैकेंसी है टोटल वैकेंसी 124 है एक सर्विसमैन के लिए चार वैकेंसी यहाँ रिजर्व है क्वालिफिकेशन चाहिए बी एस सी एग्रीकल्चर पब्लिक हॉर्टिकल्चर से सैलरी आप देख सकते हैं सैलरी यहां पे ठीक ठाक सैलरी है एप्लीकेशन फी नहीं है इसमें इसका इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए बारह नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन और इसका लास्ट डेट होगा ग्यारह दिसंबर दो हजार चौबीस डेट ऑफ एग्जाम भी यहाँ पे दिया हुआ है नौ मार्च दो हजार पच्चीस अब हम डायरेक्ट वैकेंसीज में स्विच कर लेते हैं दस डायरेक्ट वैकेंसीज को हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले गनमैन शमसाबाद हैदराबाद लोकेशन के लिए चाहिए दस गनमैन चाहिए सैलरी है अट्ठाईस हज़ार प्लस पी एफ पच्चीस सौ तो ये सैलरी रहेगा आठ घंटे छब्बीस दिनों की ड्यूटी आवर रहेगी और कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ इंक्वायरी नंबर वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है 120 एक सौ बीस एक सर्विस मैन चाहिए रिलायंस कोयली के लिए ये वड़ोदरा में है और यहाँ पे जो सैलरी ऑफर हो रहा है वो आप देख सकते हैं इकतीस हज़ार पाँच सौ प्लस पीएफ एफ सैंतीस सौ अपर एज लिमिट है फिफ्टी फोर ईयर्स यानी मैक्सिमम चौवन साल तक पूर्व सैनिक इसको ज्वाइन कर सकते हैं दसवीं पास होना चाहिए सिर्फ वन मेडिकल कैटेगरी होना चाहिए एकोमोडेशन यहाँ फ्री दे रहे हैं और मैं इसका फैसिलिटी भी है ऑन पेमेंट बाकी आप इंक्वायरी कर सकते हैं ये तीन नंबर्स हैं आप इनसे इंक्वायरी करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट है मैंने सी का कमिटमेंट किया हुआ था तो सी के लिए भी अपडेट आ गया एक सर्विस मैन और सी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं सिक्सटी एक की आवश्यकता है सीएपीएफ भी जा सकते हैं इसमें सीएपीएफ ए सूरत गुजरात के लिए है और ये सिक्योरिटी सर्विस जो है उसका ये नाम भी है अब यहाँ पे एसओ so चाहिए तीन सुपरवाइजर सेवन और सिक्योरिटी गार्ड के लिए पचपन वैकेंसी है सैलरी आप देख सकते हैं एसओ so का है सुपरवाइजर का एसओ so का थर्टी सिक्स थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड प्लस छत्तीस सौ पी इसके अलावा सुपरवाइजर के लिए बत्तीस प्लस पी एफ और सिक्योरिटी गार्ड के लिए अट्ठाईस हज़ार प्लस छत्तीस सौ पी एफ तो सैलरी भी ठीक ठाक है बाकी यहाँ पे अगर पुरसानी या सी ए पी एफ जाना चाह रहे हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर हाईलाइट किया हुआ है इनसे इंक्वायरी कर सकते हैं नेक्स्ट है, है सिक्योरिटी कंपनी में ब्रांच मैनेजर की आवश्यकता है और इसमें एक सर्विसमैन के साथ साथ पैरामिलिट्री भी इसमें प्रिफरेंस उनको दिया जाएगा अब इसमें क्या क्या इसका क्यू क्या है तेलुगु लैंग्वेज आना चाहिए हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा इसके अलावा हैदराबाद लोकेशन के लोकल होने चाहिए इस क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है और जो भी पूर्व सैनिक इसके लिए या सी ए पी एफ वेटरन इसके लिए एलिजिबल हैं या अपने आप को समझ रहे हैं वो एलिजिबल हैं तो ये जो नंबर है इस पर अपना सीवी शेयर कर सकते हैं ब्रिगेडियर साहब का नंबर है उनसे आप अपना सीवी उनको शेयर कर सकते हैं ताकि आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कंपनी के बारे में क्या है अभी जो भी इसमें पूर्व सैनिक एक चीज दिया हुआ है पे जो भी सैनिक अवेलेबल नहीं है या अभी अभी वर्किंग में है या रिसेटलमेंट कोर्स कर रहे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है फ्री होना चाहिए क्योंकि ये तत्काल में अभी जरूरत है उनको कंपनी के बारे में है ये टॉप टेन पी एस ए विध एनवल टर्न ओवर ऑफ रुपीज सिक्स थाउजेंड क्रोर एंड पैन इंडिया है बढ़िया कंपनी है तो इसमें आप अपना सोच सकते हैं अपने स्कोप देख सकते हैं नेक्स्ट है सिक्स नंबर ये हैदराबाद हाईटेक सिटी का लोकेशन का है हाईटेक सिटी आठ घंटा छब्बीस दिनों की यहां पर ड्यूटी आवर रहेगा सिक्योरिटी ऑफिसर थर्टी सिक्स थाउजेंड का सैलरी सुपरवाइजर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी बेनिफिट्स में पीएफ रहेगा बाकी जो अलाउंसेस वो वो सब रहेगा बाकी इसमें इस लोकेशन में हाईटेक सिटी वाले लोकेशन में जाना चाह रहे हैं जो भी पूर्व सैनिक तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं नेक्स्ट है एक सर्विस मैन चाहिए थाने लोकेशन के लिए यहाँ छह चाहिए छ एक सर्विस मैन आठ घंटे चार दिन ऑफ रहेगा वीक में वीकली ऑफ सैलरी अराउंड थर्टी थाउजेंड इंक्वायरी नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है आठवें नंबर में ये है पी चाहिए लखनऊ के लिए इसमें सैलरी फिफ्टी फाइव थाउजेंड ये ऑफर कर रहे हैं राइफल हो पिस्टल हो रिवॉल्वर हो रिपीटर हो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं एक चीज है यहाँ पे हाइट जो है वो पांच फीट दस इंच मांग रहे हैं और यहाँ पे जो भी पुरुषानी एलिजिबल हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी कर सकते हैं उसके बाद ई भुसावल के लिए वैकेंसी आया है जलगांव और बुलदाना लोकेशन के लिए तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या है ये इसमें अब ये जो वैकेंसी आया है ये ई भुसावल स्टेशन हेडक्वाटर से आया है अब यहाँ पे जलगांव और बुलदाना लोकेशन के लिए ये वैकेंसी है इसमें आप देख सकते हैं ओ डेंटल टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट नर्सिंग असिस्टेंट क्लर्क के लिए वैकेंसी है लोकेशन आप देख सकते हैं बाकी इसके लिए अप्लीकेशन के लिए इसका जो लास्ट डेट है वो है तीस नवंबर दो हजार चौबीस ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा जो भी पुरुषैनिक एलिजिबल हैं इसमें जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर देंगे ऑफलाइन चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आप नेक्स्ट वैकेंसी नेक्स्ट है 150 सिक्योरिटी में वैकेंसी है 150 लोकेशन हैदराबाद का है इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर का वैकेंसी है जिनको सैलरी मिलेगा थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सुपरवाइजर्स के लिए ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंक्वायरी नंबर स्क्रीन के ऊपर है वहां से इंक्वायरी कर सकते हैं नेक्स्ट है अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पी चाहिए दो लोकेशन है दिल्ली का अब यहाँ पे जो जो भी पी होंगे वो हरियाणा के उनको प्रिफरेंस दिया जाएगा जो भी हरियाणा के पूर्व सैनिक होंगे उनको प्रीफरेंस मिलेगा पिस्टल हो रिवॉल्वर के साथ ऑल इंडिया लाइसेंस उनके पास होना चाहिए सैलरी थर्टी फाइव थाउजेंड ऑफर कर रहे हैं रहना खाना ही फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं तो ये था ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास वैकेंसी जो कि डायरेक्ट नेचर के थे पूर्व सैनिकों के साथ साथ सी ए पी एफ के लिए भी यहाँ पर काफी सारे वैकेंसीज थे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो करते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं आप फॉलो करेंगे तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा या एहसास हो जाएगा कि इसमें क्या आपको वेलफेयर अपडेट्स या जॉब अपडेट्स बाकी न्यूज अपडेट्स क्या आपको मिलते रहते हैं अगर आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी हमारा फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करें हम आपको उसका लिंक भेज देंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत